नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पितृपक्ष नज़दीक है, 12 दिन आज से हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में पितृपक्ष का महत्व है और अपने अपने पूर्वजों को अपनी अपनी विधि और श्रद्धा के अनुसार सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके निमित्त भोजन निकाल करके गाय को खिलाते हैं। आज की वीडियो में पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत शानदार उपाय, एक ऐसा उपाय यदि आपके घर में पितृदोष व्याप्त है और पितृदोष से आप पीड़ित हैं, पितृदोष के कारण कोई ना कोई हानि घर में चलती रहती है, आप फील करते हैं, महसूस करते हैं कि यह दोष से आप बंधे हुए हैं, तो आज का जो उपाय है आपके लिए बेहद कारगर है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष के 15 दिन आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, आदरणीय साथियों, इन 15 दिनों में आप एक दिन के लिए गंगा स्नान का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। यदि आप गंगा जी के 100-150 किलोमीटर के दायरे में हैं तो भी, नहीं तो आपके आसपास जो भी पवित्र नदी है या सिद्ध स्थान है, भगवान विष्णु का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के स्नान करें। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त गंगा स्नान करने से पितृबाधा से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और पितरों को शक्ति और शांति प्राप्त होती है। कहने में तो बात छोटी सी है लेकिन बहुत ही शानदार उपाय है। यदि आप अपने पूर्वजों में आस्था रखते हैं, पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में अपने पूर्वजों के प्रति भोजन आदि निकालते हैं, वैदिक सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, लंबे समय से उसमें भरोसा करते हैं और आपको लगता है, कंफर्म है कि पितृ पीड़ा से आप जो है बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो पितृपक्ष में बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी घुमाना फिराना कुछ नहीं इसमें। केवल आप गंगा जी जाइए, पितरों के निमित्त गंगा स्नान कीजिए, आपके मन को बहुत शांति प्राप्त होगी। कामना करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।